जो जीता उत्तर प्रदेश उसका हुआ पूरा देश। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यही तो वजह है कि तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में जोर लगा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 4 रैलियां की हैं और उधर इंडिया गठबंधन भी यूपी में जोर लगाता हुआ नजर आया। कल अखिलेश के साथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज अखिलेश और केजरीवाल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। चार जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं और वो है फिर एक बार यह चुनाव। जैसे ही कांग्रेस सपा का गठबंधन हारेगा, अगले चुनाव तक जनता इनका नाम भी भूल जाएगी। इनकी 220 के नीचे सीट आ रही है, इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। हिंदुस्तान की सियासत में सालों से एक बात कही जाती रही है, जो जीता उत्तर प्रदेश उसका पूरा देश। यही वजह है कि सबकी निगाहें 80 सीटों वाले इस प्रदेश पर आकर टिकी है। 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी बची है 41 सीट। इन 41 सीटों के लिए शतरंज जैसी चाल चली जा रही। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी तूफानी दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी की तकड़ी भी मोर्चा संभाले हुए है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। कल खड़गे के साथ तो आज अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव ने लखनऊ में जीत की हुंकार भरी। दोनों ने 4 जून को लेकर अपनी अपनी भविष्यवाणी की। 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है, तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं। अखिलेश केजरीवाल की जोड़ी इंडिया के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो पीएम मोदी ने यूपी में विपक्ष के गठबंधन को ही खारिज कर दिया। सपा कांग्रेस दल दो है लेकिन दुकान एक ही है, ये झूठ का सामान बेचते हैं। एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं और वो है फिर एक बार कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद, एनडीए हमारे सभी साथियों पर है। मोदी ने एक दिन में पूर्वांचल में 4 रैलियां की। वैसे आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि बाकी बचे 41 सीटों में से 2019 में किसने कितनी सीट जीती थी। इन 41 में से 31 सीटों पर बीजेपी, 6 सीटों पर बीएसपी, 2 सीट पर अपना दल एस ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस और एसपी के खाते में एक एक सीट गई थी। तब हाथी और साइकिल साथ थे, तो अब साइकिल को कांग्रेस के हाथ ने पकड़ा है। 2014 और 2019 में बीजेपी की सफलता की सबसे बड़ी वजह यूपी में उसका शानदार प्रदर्शन था। अब देखना है कि 24 में यूपी की सियासत में कमल खिलता है या फिर विपक्ष बाजी मार ले जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।